एएसआई पुलिस के बेटे जिले सुभानी ने चार्टेड अकाउंटेंट के इम्तिहान में मुल्क भर में नुमाया कामयाबी हासिल करके अपने वालिद का सर फखर से बुलंद कर दिया। पुलिस अफसरान ने इस मौका पर एएसआई और इसके बेटे के एजाज में तकरीब करके इनको खिराज तहसीन पेश किया। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामु अलैकुम, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। आपने मुझे अक्सर औकात देखा है क्राइम शोज़ में, लेकिन आज का जो हमारा प्रोग्राम है, जो आज की हमारी स्टोरी है, वो टोटली डिफरेंट है। उसमें क्या है कि हैं तो मेरे साथ पुलिस वाले ही एएसआई हैं, लेकिन उनकी जो औलाद है वो बहुत ही होनहार है, बहुत ही मेहनती है। और अक्सर औकात जब हम पुलिस डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो पुलिस डिपार्टमेंट में वो एएसआई हो, वो सब इंस्पेक्टर हो, वो इससे आगे एसपी हो, डीएसपी हो, डीआईजी हो, उनकी ये ख्वाहिश होती है कि मेरे बच्चे भी आगे पुलिस में जाएं, लेकिन रैंक में मुझसे ऊपर हों। लेकिन यहाँ पर स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट नज़र आती है। एएसआई साहब हैं हमारे साथ, उनके होनहार बेटे हैं, जिले साहब इनका नाम है, पूरा नाम क्या है, चार्टेड अकाउंटेंट ये बने हैं, सर्टिफाइड हैं, और बाकायदा होनहार तालिब इल्मों की जो एक लिस्ट बनती है उसमें इनका नाम आता है। मैं ये चाहती हूँ कि आज के प्रोग्राम में हम जिले से डिटेल के साथ बात करेंगे। जिले भी मेरे साथ मौजूद है, जिले का मासूम सा प्यारा सा बेटा भी मेरे साथ मौजूद है, और जिले के वालिद साहब भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कांग्रेचुलेशंस। जी थैंक यू सो मच। माशाल्लाह से बेटा है और पापा पापा कह रहे हैं, क्या नाम है इसका? इसका मोहम्मद बिन सुभानी है इसका नाम। अच्छा, मोहम्मद बिन सुभानी है। और मेरे साथ जनाब मौजूद हैं नुसरत रबानी साहब, जो कि हम पुलिस डिपार्टमेंट, यकीनन आपने देखा कि यूनिफॉर्म में है, एएसआई है, और बेटा जो है वो आगे माशाल्लाह माशाल्लाह चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफाइड हो गया। डिटेल्स हम जानते हैं इनसे। सबसे पहले तो रबानी साहब मुझे ये बताइए, आज के शो में आपने हमें टाइम दिया, थैंक यू सो मच। जी जी, ये बताइएगा कि पुलिस वाले तो चाहते हैं कि मेरी औलाद भी आगे पुलिस डिपार्टमेंट में जाए और मेरे से अच्छे रैंक पे हो, तो आपके बेटे जो हैं वो ज़रा दूसरी तरफ आ गए, क्या मामला है? माशाल्लाह बेटे जड़े ने उन्हों का अपना शौक है, इन्हें शौक ना ही कहा कि मैं इस लाइन से सीए दी लाइन से जाना है, छोटा बेटा डॉक्टरी लाइन से, छोटा जड़ा वो कंप्यूटर इंजीनियर वास्ते वे। अच्छा, तो माशाल्लाह उन्हों की अपनी अपनी लाइन है, मैं इन्होंने रिज़्क़े हलाल कमा के दिता है। मैं बेटा जड़ा दूजे लिए भी मेरे लिए यही है कि रिज़्क़े हलाल कमाओ ते इन्हां खवाओ बच्चों ते उरे वास्ते माशाल्लाह जिहड़ा ना वो अच्छा रिजल्ट बच्चे देंदे ने। बिल्कुल सही, जो अल्लाह ने आपको दिया है। जो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दिया है, तीन बेटियां हैं, ग्रेजुएशन की है, अपने घरों में है, माशाल्लाह मैं बहुत खुशहाल हूँ। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेटे हैं, बेटे भी अपनी लाइन में, जो जो उनकी लाइन है उनकी चॉइस के मुताबिक ही उन्होंने किया। अच्छा, ये बचपन में जिले जो हैं ये छोटे होते बच्चे ना ख्वाहिशात जाहिर करते हैं, मैं बड़े को डॉक्टर बनूंगा, मैं पुलिस वाला बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, तो जिले क्या ख्वाहिश करते थे? ये इसकी ख्वाहिश साबताब वाली थी शुरू से। अच्छा, कि मैंने ये ना साबताब जो है ना ये सीधा करना है। आप भी करता था? हाँ जी, ये करता था माशाल्लाह, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, माशाल्लाह बहुत काबिल है बच्चा, तो अपनी मेहनत भी ये रही है। यह स्कूल गौरमेंट के सरकारी स्कूल के ही पढ़िया, को पंजाब कॉलेज तो बाद मेरा जेन ये कि डॉक्टरी लाइन से जाए। हाँ। ने कहा नहीं पापा, मैंने वो सीए जो है ना वो करना है। मैंने कहा ठीक है, जो आपका जेन है शौक है, शौक से इसने किया माशाल्लाह, तो बहुत अच्छी पोजिशन में बेहतरीन अभी ये जॉब कर रहा है माशाल्लाह, शादी की है, इसकी बेटा है, तो जो दादाबू के पास बैठा, दादाबू के पास बैठा है मेरी ये रौनक है माशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जिले, आप ज़रा बताइए, माशाल्लाह से बेटा भी है आपका, एजुकेशन को आपने अपने कंटिन्यू रखा और सर्टिफाइड हैं, डिग्री होल्डर हैं इस टाइम, क्या कहेंगे, कैसी फीलिंग्स हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हैं। देखें, आप जब मेहनत करते हैं उसका जब आपको रिवॉर्ड मिलता है तो ऑब्वियसली यू फील गुड ना। तो आई मस्ट से कि स्टार्ट में चीज़ें मुश्किल होती हैं, बट व्हेन यू रिमेन पॉजिटिव डिटरमिंड एंड consistent, then definitely you will get reward. बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे बताइए कि बच्चे, शादीशुदा, लाइफ, स्टडीज, इन तमाम चीज़ों को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो मुश्किल हुआ था? जी एक्चुअली आप सही कह रही हैं कि शादी और साथ में स्टडी दोनों चीज़ों को पैरेलल लेके चलना एक मुश्किल है, और वैसे भी ये हमारे यहाँ पे थोड़ा सा ऑड समझा जाता है कि आप व्हेन यू गेट मैरिड तो आपको थोड़ा सा एजुकेशन कंटिन्यू करना मुश्किल है, मुश्किल है। तो मुझे भी स्टार्ट में हुआ, बट देन मैंने उसको थोड़ा प्लान किया, मैनेज किया, एंड इट विल गेट मैनेज्ड। कोई वाइफ की तरफ से सपोर्ट थी या ये होता था कि या काम करते हो या पढ़ते हो? नहीं, आप सही कह रही हैं, वाइफ की तरफ से भी, बाकी घर वालों की तरफ से भी काफ़ी सपोर्ट थी, उसके बगैर तो
ये मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि अगर आप सपोर्ट ना हो तो फिर इश्यूज आते हैं। तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, टाइम मैनेजमेंट में काफ़ी हेल्प आउट किया, साथ में जॉब भी थी, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हो गया। बिल्कुल जी, आप जैसे जो तालिब इल्म हैं, आप जैसे जो नौजवान हैं, वो यकीनन इस कौम का जो सर है वो फ़ख्र से बुलंद हो जाता है आप जैसों की वजह से। ज़िले सुभानी, मुझे ये बताइएगा कि जहाँ पर हम बात करते हैं होनहार तालिब इल्मों के हवाले से, तो उस लिस्ट में आपका नाम आता है। मैंने वो लिस्ट देखी, मैंने मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पर आपकी खबरें देखी जिसमें ब्रेकिंग्स लगी हुई थी कि ASI का बेटा जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। तो मैं ज़ाती तौर पे बड़ी इम्प्रेस हुई और आपके पास यहाँ पर आए आपका इंटरव्यू लेने के लिए। मैं ये चाहती हूँ कि आज के प्रोग्राम में आप हमारे नाज़रीन को इस हवाले से एक मैसेज दीजिए कि एक कॉन्सेप्ट सा बन गया है कि अगर पुलिस वाला है तो बच्चा भी पुलिस में जाएगा, पुलिस वाला है तो शायद एजुकेशन थोड़ी सी कम होगी, ऐसा नहीं है। जी जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। देखें आपको, बल्कि बाकी लोगों को भी मैं ये कहूँगा कि आप अपने बच्चों को ये अवेयरनेस दें, उनको थोड़ा सा एजुकेट करें कि वो बने जो वो बनना चाहते हैं। ठीक है, अगर वो ये नहीं करेंगे तो दे कांट सेटल ना इन देयर फील्ड। जो उनका इंटरेस्ट है वो अगर करेंगे तो दे विल डू बेटर ना। तो यही मुझे भी फादर से उन्होंने यही हमेशा एडवाइस किया कि जो आपको करने में अच्छा लगता है तो यू परसू डैड कह रही है ना, तो इसी वजह से मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी परसू की, मेरा इंटरेस्ट था इसमें, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग गुड। इंटरेस्ट के साथ साथ सपोर्ट या आपको एक मेंटली तौर पे सपोर्ट होती है कि ये काम करूं या ना करूं, वो कौन थे? देखें आई मस्ट अप्रिशिएट के फादर ने मुझे काफ़ी इस पर सपोर्ट किया है। उसकी रीज़न ये है कि हमारे स्पेशली चार्टर्ड अकाउंटेंसी में जो है ना वो इश्यूज़ फॉल बैक्स होते हैं बहुत ज़्यादा, वो डैट द टाइम के जब जो है ना वो किसी की इंकरेजमेंट चाहिए होती है, वो आपको सपोर्ट करते हैं पॉजिटिवली कि यू कैन डू डैट, वो आपका मोरल हाई रखने के लिए। तो वो फादर ने मुझे काफ़ी सपोर्ट इस पर किया ऑलवेज के आप कोशिश करते रहो, When you try, you will get ना। Convocation जब हुई तो वालिद साहब साथ ही थे, जब आपका कॉल हुआ स्टेज पर कॉल किया होगा आपके नेम को तो वालिद साहब साथ ही थे। जी जी बिल्कुल, क्या एक्सप्रेशन थे? डेफिनेटली वो बड़ा खुशी का एक मोमेंट था, तो फैमिली भी साथ थी, बेटा भी था, मदर भी थे, फादर भी, वाइफ भी मेरी साथ थी, तो एक काफ़ी अच्छा मोमेंट था। जब नाम कॉल हुआ तो सबसे पहले किसे देखा था, बेटे को, वाइफ को या अब्बा जी को? देख फादर मेरे साथ थे तो उनको साथ ही जाहिर है देखा था। अच्छा, कैसा महसूस हुआ था आपको रबानी साहब जब जिले का नाम दिया गया और स्टेज पे बुलाया? मैंने भी वो वीडियो देखी, पूरे पाकिस्तान ने देखी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि ऐसे मौके पे जो है ना अल्लाह ताला ने मुझे ये खुशी का मौका दिया है। बिल्कुल, और मैं बहुत खुश हुआ हूँ, बहुत अच्छी फीलिंग मुझे हुई। जाते हुए को थपकी दी थी, जा पुत्र। हाँ, मैं क्या पुत्र, जा तेन रब दिया खैर। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। इसके साथ ही नाज़रीन अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।